आंदोलन कदे भी कोई लड़ो जाए ना जकी चीज के खिलाफ, वो सरकार ले और भी सरकार के खिलाफ लड़ो जाए, तो भी के खिलाफ लड़ो जाए ना, बिन बुलार भी के खिलाफ लड़ सोगे। और विधायक जी ना अपनी समस्या रख दिया कहते भाई मैं थान वोट दिया भी वोट के एवज के मान था मान वो पानी दे रहे हो जब मारा कदे बर्दाश्त को नहीं और उजू थान गाँव में वोट ले बनानू है जब हमारी समस्या मेट नहीं पड़ती। जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगे तो उसके लिए फिर लड़ाई लड़नी जरूरी है, संघर्ष जरूरी है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और वही लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है इस वक्त सीकर का जयपुर बीकानेर हाईवे पर स्थित गांव बढ़ाडर, जो पहले भी कई सारे संघर्षों में काफ़ी आगे रह चुका है, लेकिन इस बार ये वो लड़ाई लड़ने जा रहा है जो आज से सालों पहले या दशकों पहले सीकर के नानी गाँव को लड़ लेनी थी। लेकिन शायद हर कोई इंसान, हर कोई गाँव, हर कोई समूह संघर्ष के लिए नहीं बना होता, लेकिन बढ़ाडर गांव संघर्ष की जमीन रहा है और इसीलिए गांव के चौपाल पर आज एक और नए संघर्ष की शुरुआत करने की बात चल रही है। और ये संघर्ष है सीकर से आने वाला गंदा पानी जो बढ़ाडर गांव तक अब पहुंच चुका है। पिछले करीब एक डेढ़ महीने से मानसून के सीजन से ये पानी सीकर से नानी होते हुए, सबलपुरा होते हुए, कुछ ढाणियों से गुजरते हुए, कुछ खेतों को बर्बाद करते हुए, पूरे हाईवे को बर्बाद करते हुए, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हुए और यहाँ के ढाबा और दुकानों के व्यवसाय को बुरी तरीके से चौपट करते हुए अब बढ़ाडर तक पहुँच चुका है। लगातार NHAI इनके यो जना NHAI के कोई असर को नहीं हो, टोल वाला जता ही जता NHAI का नीचे को नहीं आवे, टोल वाला पूरी की पूरी लेकर कलेक्टर ने दिया या कलेक्टर का कोई असर को नहीं हो। साफ साफ शब्दम दिया है कि मैं टोल लिया हाँ, हमारी रोड टूट रही है, ये रोड की जिम्मेदारी कौन ले सी, लेकिन कलेक्टर साहब दरी अंकली सुन बम को नहीं आयो। तो अब प्लानिंग लंबी है, अब आप ये मानर चला कि मेरे कह बहू जय थारे कह बहू जय हीर, मेरे तो वो कोई अमरा राम जी खास जय हीर, मेरे गोविंद डोटासरो खास जय रही है, मेरे तो भजन लाल शर्मा डायरेक्ट लिंक ही तो वो बहू तो क्यों को नहीं है। अपन बिल्कुल लड़ाई लड़नी पड़ती ये पानी के लिए, अरे एकजुट लड़ाई लड़नी पड़ती, सीधी लड़ाई लड़नी पड़ती, सह चीज छोड़ कोई नहीं है। लगे कि मेरे तो अनुज को निजी स्वार्थ है, मेरे तो आगे जा रही है फायदो जालो और भी फायदो जालो, फायदो कोई के क्यों करूँ, नुकसान नुकसान पाती आनो है, सारी की सारी बीमारी पाती आनी, सारी की सारी जगह पूरी की पूरी वो पानी आप जो नीचो हुआ पीवाड़ो है, चाहे फसल को सारो को सारो खराब होना है। आज को टाइम है वो गाँव में आप एक चौपाल पर से बैठ और फैसलो कर रहे हैं, तो इके अंदर ग्राम पंचायत सो साहब न तो मेरी माताजी सरपंच है, न तो कोई NOC ली फिलहाल, और माने तो सूचना जद लागी जद बा अखबार में आई भी के माँ प्रभारी मंत्री आई डी ही बन बे जो भी स्थानीय लोग है वे बन प्रस्ताव दियो कि साहब बढ़ाडर के अंदर इको डैम बनायो जा। तो मारो देखो साहब ग्राम पंचायत की तरफ सू और संपूर्ण ग्राम वासियों की तरफ सू इको विरोध है। और विधायक जी अपना क्षेत्र का विधायक ही बन अपने बुलाए और पूरा गांव की समस्या ठे अवगत करावा, न कि अपा पांच आदमी प्रचार करावा। तो अपा बाबू विधायक जी बातचीत बार भी करी ही और अब विधायक जी वजू बात कर ले सा और विधायक जी ने कल अठे आपा सुबह ही बुला ले सा और विधायक जी ना अपनी समस्या रख दिया कहते भाई मैं थान वोट दिया भी वोट का एवज के मान था मान वो पानी दे रहे हो जब मारा कदे बर्दाश्त को नहीं और उजू थान गाँव में वोट ले बना है जब हमारी समस्या मेट नहीं पड़ती, क्यों आप वोट दिए तो अगला अपनी जन समस्या मेटवा खतर दी। तो आप काल की काल विधायक जी बात कर काल सुबह आप 9 बजे थे विधायक जी बुला ले सा बार भी बात हुई तो काम राज के खिलाफ बड़े सारे गांव के खिलाफ कौन जा रहे हो भट्टे भी गोवर्धन जी विरोध गिरे को कि नजदीकी गांव है ठिकोन में तो आप मान जा रहे हो तो ग्राम आप आता ही कोई मोड़ थोड़ी है आप मान बुलावा बुलार मान पूरी बात तो बताओ ने हर भट्टे में कहीं ना रे करिए बिल्कुल परशुरामगंज गया आप वो है बीकन जो बीकन दा शाह विधायक जी गंजारिया आप कोई और गंजारिया और विधायक जी आप बुलाओ सांसद अमरा राम जी गंजारिया नहीं अमरा जी बुलाओ नहीं हां बुलाओ गाँव के बीच के मार राजनेता आपा तो पूछा नहीं तू काम उसी को नहीं हुआ मारो और नहीं हुआ तुम्हारे सागे चाल अब चाल कलेक्टर चाल अठी आपा कैसे आग लगे ये बात भी गौरतलब है कि पिछले करीब एक डेढ़ महीने से यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ी हुई है यहाँ के स्थानीय विधायक को तो उसके बारे में जानकारी होनी ही है, और अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा विडंबना, इससे ज़्यादा आयरनी और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ और हो नहीं सकता। और अगर विधायक को ये पता है तो उन्हीं की सरकार है,
तो आज तक क्या इसके ऊपर कुछ काम किया गया या सिर्फ विधायक जी की तरफ से ये इंतज़ार किया गया कि जब भी एक डेढ़ महीने बाद में या कुछ समय बाद में गांव के लोगों के सर के ऊपर से पानी जाने लगेगा और तब ये मुझे बुलाएंगे और तब जाकर मैं कुछ करूँगा, तो बात अलग है। तीसरे दिन पड़ी ऑटो खुल को आज हरियाणा पंजाब का कलेक्टर तक आके आवा हटे समझाना सख है वो के बन रहे है बहन जो आज दो बनना होगा लगातार चलता बारिश बंद हुआ पांच दिन होगा बारिश बंद हुआ पांच दिन होगा बारिश को पानी थोड़ा ही है वो गटर लाइन को पानी है सिटी को पानी है अब बात बताओ थे बड़ा बड़ा लोग से खानु खापा नाम और सन बेरो है भी पानी माँ कर आऊंगा ट्रक आलो आवा जाओ 30 फुट पानी जाए वो रोड के ऊपर चौराहे पर न जाए तो देख लेते अभी हमारे साथ हैं बढ़ाडर के सरपंच प्रतिनिधि विजय कुमार जी। तो अभी काफी देर से हम सुन रहे हैं कि आपस में बहस भी हो रही है, अपने अपने हितों को ध्यान में रख रहे हैं या नेता को बुलाने की बात हो रही है, कुछ विरोध कर रहे हैं। पानी की समस्या पिछले डेढ़ दो महीने से जग जाहिर है, तो अभी गांव क्या चाहता है, क्या कोई एकमत हो पाए हैं, कल क्या करना है, आगे कैसे रणनीति बढ़ानी है? नमस्कार भाई साहब, मेरी माताजी ग्राम पंचायत बढ़ाडर की सरपंच हैं और ग्राम पंचायत जैसे 3 दिन पहले अखबार में न्यूज़ आई थी कि भाई बढ़ाडर में डैम बनाने की योजना प्लानिंग है, तो ये खबर मिलते ही हमने अपनी मीटिंग ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाकर उसमें यह तय किया कि 3-4 दिन छुट्टियाँ थी कंटिन्यू, तो बुधवार के दिन 11 बजे अपन को ग्राम आम सभा करके और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना है, कलेक्टर साहब को, नगर परिषद के आयुक्त को, अगर ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्री महोदय को। फिर आज जैसे सुबह कुछ गांव के आदमियों ने यह तय किया कि भाई आज शाम को 6 बजे मीटिंग कर लें, ठीक है, ग्राम पंचायत भी इसमें साथ है, गाँव के साथ है, तो आज शाम को 6 बजे मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई जो ये काम चालू होने वाला है डैम का, भाई लगातार बारिश नहीं हो रही है, अब फिर भी बढ़ाडर की तरफ इतना पानी आ रहा है वैसा, पूरे सिक्कर का गंदा पानी बढ़ाडर में आ रहा है, तो हम ये पानी कतई ही ग्राम पंचायत बढ़ाडर में नहीं आने देंगे। इसके साथ हमें सरकार लुभावना वादा दे रही है कि स्पोर्ट्स एक कॉलेज बना देंगे, हाँ ठीक है, अगर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाती है तो हम तन मन धन से साथ हैं, और गंदे पानी उसकी आड़ में गंदे पानी की निकासी अगर बढ़ाने में करना चाहें तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और मरते दम तक ही डाडर में गंदा पानी नहीं आने देंगे। अब रही बात ये वाद विवाद की, तो कुछ जैसे अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ कि बीजेपी के आदमी हैं वो ये कह रहे हैं कि गोवर्धन जी को बुलाएंगे, गोवर्धन जी का कल कोई स्कूल में प्रोग्राम है और वो वहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इस समस्या के लिए नहीं आ रहे हैं वो? कोई समस्या नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, भाई राज्य के एमएलए हैं तो वो राज्य के खिलाफ थोड़ी करेंगे। फिर अमरा राम जी भी हमारे सांसद हैं तो वो आए थे, तो वो हाँ मौके पर ही उनको बुलाकर उसका विजिट करवाया था और उन्होंने वहाँ आयुक्त से बात भी की थी, कलेक्टर साहब से बात की थी, तो उन्होंने पानी बंद कर दिया, अब वापस वो कंटिन्यूटी पानी चालू है। गोवर्धन जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो स्कूल केसवान में कोई प्रोग्राम है वहाँ उद्घाटन में आ रहे हैं, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ाडर में बुलाएंगे, और गांव के लोग हम ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पानी भर रहा है वहीं बुला कर, वो आएंगे तो उधर से ही, तो वहीं बात करके समाधान कर लेंगे और कल अपनी रूपरेखा और बना लेंगे, और परसों 11 बजे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का नगर परिषद के आयुक्त को, कलेक्टर साहब को, हम गाँव के 20-30-50 लोग जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देवेंगे। अब रही बात वाद विवाद की, अगर ये इतने गांव के हितैषी हैं तो एमएलए, एमपी, प्रमुख, प्रधान इनके हैं, बीजेपी के हैं, हमारी ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर आज तक 1 रुपया नहीं दिया बीजेपी ने, नहीं तो 2 बार सांसद रहे उन्होंने दिया, नहीं गोवर्धन जी अभी 5 करोड़ की सेंस ने जारी हुई है उसमें 1 रुपया भी बढ़ाडर पंचायत के लिए नहीं आया है, और जिला प्रमुख को आज 4 साल हो गए, उन्होंने भी बढ़ाडर पंचायत में 1 रुपया नहीं दिया है, तो हम किसकी बात करें? ये बात राजनीतिक उसमें उलझाना चाह रहे हैं और इस मुद्दे से हमको भटकाना चाह रहे हैं, भटकाकर और ये पानी का डैम यहाँ बढ़ाडर में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो हम गांव के लोग, पूर्व सरपंच जी हैं और हमारे गांव के लोग हैं, वो ये बैठ के तय किया है कि 11 बजे बुधवार 18 तारीख को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देवेंगे, ये हमने तय किया है, और अगर ये बीजेपी के लोग स्थानीय एमएलए को बुलाना चाहते हैं तो वहाँ मौके पर ही बाईपास तिराए पर जब भी वो आएंगे वहाँ जाकर उनको हमारी समस्या से अवगत करवा देंगे। अब हमारे साथ हैं महेश बगड़िया और उनके साथी, जिनका ये सुझाव था कि स्थानीय विधायक गोवर्धन वर्मा को
कल जब वो आ रहे हैं तो उनको यहाँ गांव में बुलाया जाए, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का विरोध भी हुआ है। तो आप बताएं, आप ये क्यों चाहते हैं कि स्थानीय विधायक, जिनको इस समस्या के बारे में से पहले हम ये मान के चलते हैं कि पता होगा, लेकिन उनको कल गांव में बुलाया जाए जब स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब होने की नज़र आ रही हैं? देखो सर, गोवर्धन जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और विधायक के पास हम अपनी समस्या रखेंगे और समस्या रख के उनके सामने हम रखेंगे कि भाई गांव वालों ने आपको वोट दिया है और इस समस्या का आप प्रभावी रूप से निराकरण करें और बड़ाडर गांव में डैम नहीं बनने दिया जाएगा। आंदोलन करने से पहले हम क्षेत्रीय विधायक को, क्षेत्रीय सांसद को, इन सबको अवगत कराना चाहते हैं, उन सबसे गांव के बीच में आम चौक में हम जवाब लेना चाहते हैं कि आप इसके लिए क्या कर रहे हो। और सरकार अभी गोवर्धन जी सरकार में है तो सरकार के अंदर हम कम से कम उनके बात हमारी सरकार तक तो पहुँचाएँ वो बात कि एक डेवलपमेंट गांव है जो सिटी के नज़दीक है, सिटी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, UIT में भी हम आ गए हैं तो हमें गंदा पानी यहाँ ला करके यहाँ की फसल, यहाँ के लोगों को भाई आने वाली बीमारियों से क्यों ग्रसित करें। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको कहीं पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, कहीं दूर ले जाया जाए और हमारे गांव में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हमारी पंचायत में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो हम कल विधायक जी को यहाँ बुलाया, हमने आज बात की थी शाम को कि विधायक जी ये आ रहा है पानी तो हमारे गांव वालों की समस्या है और समस्या सुनो, तो हम गांव के लोग आपके पास आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गांव के आने की जरूरत नहीं, कल मैं इधर ही मेरे कार्यक्रम है तो मैं सुबह 9 बजे आपके पास गांव में आ जाऊंगा और आप सब लोग इकट्ठे हो जाए, आपकी समस्या सुन लेंगे और उसका समाधान भी करेंगे, जो मेरे से संभव होगा वो मैं करूँगा और सरकार तक आपकी बात पूछूँगा और ये काम नहीं होने दूँगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन हम गाँव के सामने ये बात उनसे पूछना चाहते हैं, वो हमारी बात को सुनेंगे इसलिए आ रहे हैं। और तो कोई विधायक एक चला कि हमारे गांव में समस्या सुनने के लिए आ रहा था, इससे बड़ी हमारे लिए और बात क्या हो सकती है, बताओ सर। तो क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि स्थानीय विधायक को आपकी समस्या के बारे में अभी तक पता नहीं है, जबकि पिछले करीब 1.5 महीने से हाईवे पे लगातार पानी आ रहा है, आपके गाँव तक ये पानी पहुँचा है, यहाँ पे कई लोगों के व्यवसाय हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, पर आपके गाँव के आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनको अब कल गांव में आने से उनको ये पता चले कि समस्या क्या है? आज से 1 महीने पहले भी हम विधायक जी के पास गए थे वहाँ कार्यालय में और हमने बताया कि यहाँ पानी आ रहा है, उसके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, गंदा पानी आ रहा है, सिर्फ हाईवे पे भी ये पानी चल रहा है। तो विधायक जी ने उसी समय कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने कहा कि अभी बरसात ज़्यादा है और हमें पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बार ये मैंने 20 दिन की समस्या है, इसमें आप कोऑपरेट करो, हम इसको आगे निराकरण करेंगे। उसके बाद हमें समाचार पत्रों से 2-3 दिन पहले हमें ज्ञात हुआ कि ये पानी के लिए प्रभारी मंत्री ने पूछा कि इसको पानी ये रोड पे जा रहा है, इसके रोकने के लिए क्या समस्या है, तो नगर आयुक्त ने उन्हें, नगर परिषद के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हम इसको 2-3 जगह डैम बना रहे हैं, बड़ाडर हो गया, चलाश हो गया वहाँ, तो हमारे विधायक ने वहाँ विरोध दर्ज कराया कि ये गाँव इतने शहर के नज़दीक हैं, यहाँ ये डैम न बना करके इनको कहीं दूर बनाया जाए या इसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। इस प्रकार की उन्होंने हमारी समस्या को सरकार के सामने और प्रभारी मंत्री के सामने, प्रशासन के सामने भी रखी है। तो वो उसके बाद में हमने आज भी अपने विधायक जी से बात की, वो करें कल मैं आपके सामने आऊँगा और आपकी समस्या सुनूंगा और इसका जरूर निराकरण करूँगा। अभी जो हमने बातचीत देखी उसमें भी दो पक्ष दिख रहे थे, गांव में ही दो धड़े हो गए हैं, आपका क्या कहना है? आप मतलब क्या स्थिति है, क्या होगा, कैसे करेंगे आंदोलन को आगे, क्या ज्ञापन देंगे या विधायक से मिलेंगे, क्या करेंगे? देखो आंदोलन के तो कई चरण होते हैं, कई तरह से आंदोलन होते हैं, तो आंदोलन तो ग्रामवासियों को करना है और वो सारे के सारे मिलकर के ही आंदोलन करेंगे। जहाँ तक बात है कि वो दो पक्ष नहीं है, चलो अपनी अपनी बात रखने की बात है, वो तो सारे लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे कि हाँ ठीक है अपने को इस तरह से आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, इस तरह से इस समस्या से निजात पाना चाहिए। जहाँ तक इस समस्या की बात है तो ये सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। पहले नानी गाँव अकेला इस समस्या को झेल रहा था, अब सरकार ने और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के पूरे बाईपास से होते हुए इस समस्या को, बड़ाडर जो 10 किलोमीटर नानी से दूर पड़ता है वहाँ तक इस समस्या को ला दिया और लाते लाते ये घोषणा कर दी कि यहाँ पर डैम भी बड़ाडर के अंदर ही बनाएंगे, मतलब ये परमानेंट हो जाएगी, ये समस्या परमानेंट हो जाएगी, आबादी के एकदम से नज़दीक बनाएंगे, जबकि इनके पास पहले से 1000 बीघा ज़मीन नानी के बीड़ के अंदर पड़ी है। इनको समस्या का समाधान करना होता तो ये वहाँ पे 3 डैम पहले से बने हुए हैं, वहाँ पे 10 डैम और बन सकते हैं इनको बना करके, लेकिन इनका समस्या, मूल समस्या से इनका कोई मतलब नहीं है। टोल वालों ने भी लिख करके दिया, लेकिन कलेक्टर साहब को इस बारे में चिंता नहीं है। सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे जनप्रतिनिधि, सारे के सारे मंत्री, यहाँ तक कि अभी तो काफ़ी सारे मुख्यमंत्री मंत्री सारे इधर से गए, सबको ये चीज़ दिखती है, लेकिन ये तो ये है कि वो शहर के नज़दीक आ गया तो शहर के नज़दीक से बचा करके उस पानी को ला करके यहाँ बड़ाडर के अंदर छोड़ दें। आपने जो नानी में, जैसे यहाँ डैम बनने की बात हो रही है तो नानी में जो पहले से डैम है, क्या आपने वहाँ पे जाके स्थिति देखी कि किस तरीके से डैम पे काम होता है, कितना पानी की कैपेसिटी होती है, अगर बड़ाडर में डैम बने तो क्या वो कैसे आपको नुकसान कर सकता है, ये स्थिति देखी आपने कभी? बड़ाडर बिल्कुल देखी है, स्थानीय सांसद अमराराम जी के साथ जाकर के सारे गाँव वालों ने देखी है वो स्थिति। 3 डैम नानी के अंदर बने हुए हैं,
एक डैम भरावा डैम है, दो डैम है, उनमें फुट दो फुट का पानी है, वो डैम खाली डैम है। उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि ये डैम आगे हम भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो इन डैमों में पानी डाल दें, जबकि स्थिति तो ये है कि उनमें से ये पानी रिसीव पानी निकालते रहते हैं और निकाल करके वो पानी पहले खेतों के अंदर जाता है, खेतों से होता हुआ वो सड़क आकर के वो अब बढ़ा रहता है। पिछले दिनों की बात करें, पिछले दिनों 5-6 रोज से सीकर के अंदर कोई बारिश नहीं है, कहीं एक बूंद भी बारिश की नहीं है, लेकिन कल से पानी ज़्यादा आ रहा है। वो डैम को वहाँ से खाली करते रहते हैं, वहाँ वो पानी रखते नहीं है। जो ट्रीटमेंट प्लांट की वो बातें करते हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट बहुत छोटा प्लांट है, उससे भी वो करते नहीं है। उसमें खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा आएगा, नगर परिषद पर भार पड़ेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें ये करते नहीं है। बनाना होता तो वहाँ पर 10 डैम और बना सकते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य तो ये है ना कि शहर की आबादी से दूर ले जा करके इस ग्रामीण आबादी के अंदर छोड़ दें इस पानी को। और वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वो गार्डन वगैरह इन्होंने बनाने चालू कर दिए हैं, पहले से प्रशासन ने, सरकार ने पहले से वो तय कर दिया है कि वो एक जिस तरह से समृद्धि वन बना उसी तरह से इस जगह को भी काम में ले लिया जाए, वहाँ के लोगों को इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाए, शहर के लोगों को। ये दो इम दर्जे के नागरिक हैं, पहले नानी के थे और अब नानी के, डखाल नानी के, पूरा की डानी के, सबलपुरा किसे होते हुए अब ढाडर के नागरिक भी दो इम दर्जे में शामिल हो गए। ये बड़ी परेशानी होगी यहाँ की, फसलें ख़राब होंगी, पानी सारा का सारा ख़राब होगा, यहाँ बीमारियाँ फैलनी हैं, सारे के सारे लोगों के जो धंधे हैं, जो पेट्रोल पंप हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, सारी की सारी बंद पड़ी हैं एक महीने से। तो अभी जो भी मतलब आपके गांव का इस समस्या के खिलाफ एक्शन प्लान होगा, तो उसमें सिर्फ आपके गाँव के लोग शामिल होंगे या बाकी जो प्रभावित गाँव हैं उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, हम सारे गांव से बातचीत करेंगे, हम नानी के लोगों से बातचीत करेंगे, हम डाखांग डाणी के लोगों से, सबलपुरा के लोगों से, पूरा डाणी के लोगों से और ब्राडर के लोगों से, जो जो प्रभावित सेक्टर है उनके सब लोगों से हम बातचीत करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।